इस गर्मी में जो पहल की गई है वो बहुत ही सराहनीय पहल है, और पानी की जो व्यवस्था की गई है वो भी ठंडे पानी की, ये और ही अति उत्तम है। बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा मिल रही है ट्रैवल करने पे, जो प्यास बुझ गई सवारियों की बुझ रही है, अच्छी गर्मी की आग पर दे रहे थे। आप अब बड़े भी बूढ़े भी सब तरह के इंसान है, तेरे को चक्कर भी आते हैं, तो इसलिए टैबलेट का जुगाड़ भी होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती। देखिए, इस बार पड़ रही भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में कुछ लोग जो हैं बाहर निकलने को मजबूर है, वहीं कुछ लोग घर में बैठे हैं क्योंकि उनका बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मजबूरन बसों में सफर करना पड़ रहा है, आवाजाही करनी पड़ रही है क्योंकि उनके काम है। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज की ओर से एक बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है। यहाँ पर जो है हर बस के अंदर एक से दो कैंपर रखे जा रहे हैं, म्योरजग रखे जा रहे हैं ठंडे पानी के। जो यात्री सफर कर रहे हैं उनको जो है ज्यादा जो है भीषण गर्मी के कारण आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अक्सर बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं और लोगों की जाने तक जा रही हैं। ऐसे में बहुत ही अच्छी जो सुविधा जो है वो चालू की गई है यात्रियों के लिए, जो बस में यात्री सफर कर रहे हैं उनके लिए। आपको दिखाते हैं एक बार कि बस में जो है किस प्रकार से कैंपर रखे जा रहे हैं। बता दें टोटल जो है 90 कैंपर जो है रखे जा रहे हैं हर बस के अंदर, म्योरजग रखे जा रहे हैं जो यात्री हैं उनके लिए काफी अच्छी सुविधा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बस है इसके अंदर भी आपको कैंपर दिखाते हैं, म्योरजग रखा हुआ है ठंडे पानी का। यात्रियों के लिए काफी सुविधा है क्योंकि आप सोच सकते हैं बस में सफर करना कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए, देख सकते हैं कि बंद बस के अंदर यदि हम लोग बैठे होते हैं तो हमें बैठना क्या खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में भीषण गर्मी में सफर करना आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल हो जाता है। बैठने के बाद पसीने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से जो पहल की गई है ये काफी सराहनीय कार्य है। ऐसे में यात्रियों को जो है काफी सुविधा होगी और जो गर्मी के कारण लोग जो है कई बार बेहोश हो जाते हैं ऐसा नहीं होगा। जो बस है उसमें देखा जाता है कई बार बस जो है पूरी की पूरी भरी होती है और लोग जो है खचाखच बस के अंदर खड़े होते हैं और काफी परेशानियां होती हैं जब बस चलती है, काफी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में बहुत अच्छी पहल है ठंडे पानी की, 90 कैंपर जो है वो रखे गए हैं, तो काफी अच्छी चीज है क्योंकि इस बार भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों का जीना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन जो मजबूरन लोगों को बसों में सफर करना पड़ रहा है उसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। एक बार लोगों से भी जानेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको इस सुविधा के लिए, सरकार को क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार नाम है। मैम, जैसा कि मैंने आपको देखा भी बाइक लेते हुए, और इससे पता चला, मुझे भी नहीं मालूम था कि पानी के जग और ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। जो भीषण गर्मी पड़ी हुई है हर प्रदेश में, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन, इस गर्मी में जो पहल की गई है वो बहुत ही सराहनीय पहल है, और पानी की जो व्यवस्था की गई है वो भी ठंडे पानी की, ये और ही अति उत्तम है भारत, मतलब हरियाणा सरकार के लिए। और मैं कहूंगा कि और आने वाले समय में और भी आगे के जो अच्छे कार्य हैं जो गर्मी के लिए राहत देने वाले वो किए जाने चाहिए, जिससे पब्लिक का हित हो, और यही है कि सरकार का कर्तव्य होता है। अम्मा, क्या नाम है आपका? ये कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? गुड़गांव जा रहे हो? शीतला कॉलोनी में रहना। आज से हरियाणा की बसों में ठंडा पानी पीने को मिलेगा, तो क्या कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। ये होनी चाहिए थी शुरू से सेवा। अच्छा, हर बसों में होनी चाहिए थी सेवा। ये ठीक। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह है। कहाँ जा रहे हैं बस? हम सोना जा रहे हैं। तो सरकार की ओर से जो पहल की गई है हर बस के अंदर म्योरजग रखे जा रहे हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, इस पर क्या कहेंगे, कितनी सुविधा मिल रही है लोगों को? बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा मिल रही है ट्रैवल करने पे, जो प्यास बुझ गई सवारियों की बुझ रही है, अच्छी गर्मी की आग पर दे रहे थे आप। अगर रास्ते में जैसे म्योरजग का पानी खत्म हो जाता है तो कहाँ से भरते हैं? रास्ते में कहीं ना कहीं आगे भरवा लेते हैं, इसको भी दोबारा भरना पड़ जाता है। हाँ जी, ठीक है। और फिर बस वापस आती है, फिर दोबारा यहाँ से भर के फिर ले जाते हैं। हाँ, फिर यहाँ जमा हो जाता है, जैसे गाड़ी होगी जमा हो जाएगा, दोबारा फिर जाएंगे लेकर तो नया तक मिल जाएगा। बल्लभगढ़ बस अड्डे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी पहल जो सरकार की ओर से शुरू की गई है, 90 कैंपर जो है रखे जा रहे हैं। जो बस यहाँ से जाएगी वो बस अपना अपना कैंपर उठाकर, यानी कि जो कंडक्टर है वो ड्राइवर है वो अपना अपना कैंपर रखेगी और लेकर जाएगी और पूरे दिन जो है सफर करेगी, साथ ही वापस लाकर कैंपर यहाँ रख दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा यहाँ से भरकर फिर बस यहाँ से रवाना होगी। सुविधा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है, सरकार को ये पहले भी करना चाहिए था,
तो ऐसा ही है मेरे ख्याल से। आपके साथ तो बढ़िया लग रही है। मेरे हिसाब से तो बच्चे बूढ़े भी होते हैं उनको। हाँ, सभी तरह के होते हैं, सभी के लिए बढ़िया सुविधा हो गई है। बाहर के भी होते हैं, हरियाणा के भी होते हैं, तो सबसे अच्छा। आपको क्या लगता है बसों में और क्या समस्या है जो सुधार देनी चाहिए? समस्या होनी चाहिए जैसे कि अब बड़े भी बूढ़े भी सब तरह के इंसान हैं, भूत तेरे को चक्कर भी आते हैं, तो इसलिए टैबलेट का जुगाड़ भी होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा जो बोतल खरीदनी पीनी पड़ेगी, उसके पखड़े पीनी पड़ेगी, बसों में पानी मिलता है। हाँ हाँ, बार बार रुकेगी। हाँ, बार बार कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। फिर भी जेबा में सिर्फ एक बोतल लेते 20 रुपये जाते हैं, तो गरीब का ये 20 रुपये भी बचेगा जेबा में। यानी कि जो लेबर होगी, जो हाँ लेबर मजदूर जो भी होगा, सबको फायदा कर दी गई है जो आप यात्रियों के लिए पीने को मिलेगा। कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया लगा जी। ये तो सरकार की हुई है, सरकार ने घोषणा करी है तो सुविधा हुई है जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, होनी चाहिए। देखो जगह जगह बस नहीं रुकती है, पानी की सुविधा अगर उसमें है तो किसी यात्री को प्यास लगी है तो पानी उसमें तुरंत मिल जाएगा। यात्रियों में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं जिनको असुविधा होती थी, अब ये सुविधा सरकार की ओर से मिलने लगी है। बहुत बढ़िया लगता है। कितना लाभ मिलेगा यात्रियों को? बहुत फायदा मिलेगा जी, इससे तो लाभ मिलेगा क्योंकि अब यात्री परेशान ही नहीं होगा बिल्कुल जी। और ऐसे में मतलब कि ये सुविधा पहले कर देनी चाहिए थी कि नहीं आपके साथ? हाँ, पहले तो नहीं थी ये, तो चलो अब करिए तो अब सही है। अब बहुत बढ़िया बात है ये तो गवर्नमेंट की। ये तो और कोई सुविधा जो आपके हिसाब से बस में होनी चाहिए? देखो एक तो पहले तो ये जो दवाई गोली है, किसी बच्चे के कोई परेशानी हो जाती है दवाई गोली की सुविधा होनी चाहिए। असलियत तो बस के अंदर दवाई की भी सुविधा होनी चाहिए। हाँ अच्छा, और ये सबसे पहले है क्योंकि परेशान हो जाता है कोई भी बुजुर्ग है, जब बच्चा है जवान है कोई भी परेशान हो जाए तो दवाई गोली है तो उसको तुरंत गोली दे दे तो आराम मिलेगा। एक हरियाणा रोडवेज में सुरक्षा कैसी महसूस करते हैं आप? नहीं, सुरक्षा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती कैसी भी। सामान चोरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं? ये मतलब हरियाणा रोडवेज की तरफ से एक पहल की गई है यात्रियों के लिए, क्या कुछ पहल है? अभी हाल ही में सरकार के द्वारा यात्रियों के लिए गर्मी को देखते हुए, जितना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा है, इसके लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था की गई है हर बस के अंदर। यह ऐसा देश आया तो हमने कल से शुरू कर दिया। तो ये कब से कब तक की जाएगी, अब कितने मरीज रहेंगे, क्या कुछ होगा? अभी कल से शुरू करनी है, जब तक सरकार कहेगी तब तक इसको चालू रखें। तो इसको कैसे प्रोसेसर किया जाएगा, इसको कैसे सवारी तक ये पानी मिल पाएगा? हर हमने हर एक गाड़ी के अंदर ना एक कैंपर भर के पीने योग्य ठंडा पानी रख दिया है, जिसके अंदर उसने बताया है कि उसके कैंपर की जो कैपेसिटी 8-9 घंटे की है ठंडा पानी रखने की रहने की, तो स्वच्छ जल जो है लोगों को बस में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये लंबे रूटों के लिए है या लोकल रूटों के लिए? लोकल के लिए, सबके लिए रूल है कि नहीं? अभी हमने ऑर्डर तो सभी का किया है, वो लगभग 90 आज की डेट में दे पाएगा शाम को। सुबह पहली बस हमारी जाती है 3:40 पे, तो 3:30 बजे वो रख जाया करेगा और एक बार 8 बजे रख के जाया करेगा, 2 बार रख के जाया करेगा। अभी फिलहाल उसके पास जो कैंपरों का अरेंजमेंट हुआ वो 90 का हुआ है, और हमारी इतनी ही गाड़ियां लॉन्ग रूट पे चलती हैं, लॉन्ग रूट पे, और जो छोटे जो है ना रूट हैं लेकिन वो भी लंबे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर हमने जो है ना वो अपनी काउंटिंग किया, तो 90 में हमारा काम चल जाएगा। जो यात्री जल्दबाजी में, जो आपको पता ही है जैसा कि गर्मी में अगर किसी को प्यास लगी हुई है रह जाता है या नहीं ले पाता है तो उनको फायदा तो होगा।